फूड एनालिसिस। अंडर फूड एनालिसिस वी एनालाइज मॉइस्चर कंटेंट इन फूड, फैट कंटेंट इन फूड, प्रोटीन्स कंटेंट इन फूड, फाइबर कंटेंट इन फूड एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन फूड। सो एज अर्लीस्ट वीडियो वील डिस्कस हाउ टू एनालाइज प्रोटीन्स एंड मॉइस्चर इन द फूड। टूडे वील डिस्कस इन दिस वीडियो वी एस्टिमेट द फैट इन फूड एंड फाइबर इन द फूड। सो द फैट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ अवर लाइफ। सो मैक्सिमम एनर्जी कम फ्रॉम द फैट। अदर नेम ऑफ फैट इज ऑल्सो वी कॉल्ड इट इज एज द लिपिड्स। सो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ट्राइग्लिसराइड लिपिड, डाइग्लिसेरॉल एंड मोनो एसिल ग्लिसेरॉल। सो देर आर थ्री मेन टाइप, ट्राइग्लिसेरॉल, डाइग्लिसेरॉल एंड मोनो ग्लिसेरॉल। सो ट्राइग इन द टोटल लिपिड ट्राइग्लिसेरॉल इट फाउंड 95 to 99%, डाई 0.59% एंड मोनो 0.016% अप्रोक्सीमेटली। सो लिपिड और फैट इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथर, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म एंड पेट्रोलियम इथर। सो मोस्टली लिपिड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक और ऑल लिपिड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दैट इज द इथर, पेट्रोलियम इथर, क्लोरोफॉर्म, ऑर्गेनिक क्लोरोफॉर्म एंड हेक्सेन। सो इन मिल्क देयर इज अ प्रेजेंट 2% ऑफ लिपिड्स। चीज इट इज परसेंटेज 33% इन चीज एंड इन सोयाबीन इट इज प्रेजेंट 79.1%। सो इन चीज इट इज 33%, सोयाबीन इट इज फाउंड 79.1%। इन फ्रूट्स इट इज लाइक एप्पल इट इज फाउंड 0.2%। सो फॉर द न्यूट्रिशनल वैल्यूज और फॉर मेंटेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन वी रिक्वायर्ड द एनालिसिस ऑफ फैट। सो वी नो द व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू और कंटेंट ऑफ फैट इन अवर फूड, दैट फूड विच इज टेकन। सो द फैट और क्रूड फैट विच एस्टिमेटेड बाय यूजिंग मोस्ट कॉमनली मेथड सॉक्स हेल्ड एक्सट्रैक्टर। सो सॉक्स हेल्ड बाय यूजिंग सॉक्स हेल्ड एक्सट्रैक्टर वी एक्सट्रैक्ट द फैट्स इन द फूड। सो फॉर दिस सॉक्स हेल्ड एक्सट्रैक्टर जनरली वी यूज सॉल्वेंट्स आर पेट्रोलियम इथर और इथर एंड हेक्सेन। सो इथर दैट इज द हाई प्राइस एंड हाईली फ्लेमेबल, सो जनरली यूज पेट्रोलियम इथर। सो फॉर फैट एक्सट्रैक्टर वी यूज सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। देर आर थ्री सॉल्वेंट यूज इथर, डाइथिल इथर और पेट्रोलियम इथर। सो हियर वी यूज इथर। सो पेट्रोलियम इथर वी यूज पेट्रोलियम इथर। इट इज द कंटिन्यूअस हीटिंग ऑफ पेट्रोलियम इथर एंड होलाटाइल ऑफ दैट इथर एंड कंडेंसेस ऑफ इथर एंड ड्रॉप ऑफ फैट इन सैंपल एंड इथर इज रिकवर्ड। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर।
here this is the Soxhlet extractor assembly. So this is the apparatus of Soxhlet extractor. So in this apparatus we take a sample in thimble tube. So this is the small thimble tube. So the thimble tube is placed inside this condenser like apparatus. On top side we attach other condenser, and the inside this apparatus we place a small test tube like glass tube. It is known as thimble. So inside this we place a sample, and we here we take a organic solvent, that is the petroleum ether, in this RB. So we provide heat, or we keep the heating metal to this RB. In this apparatus there is a continuous heating of organic solvent. So the organic solvent is heating, and the vapors are goes from these tubes on upward in the sample. So dry ethyl, so organic solvent vapors are goes inside these tubes, and the fats are mixes and the fats are come along with this solvent. So when the fats on its boiling point, it comes along with this ether, and all the fats along with ether are drop by drops we are collected on this RB. So at final stage here we collect solvent and fat. So at end of this estimation we collect in RB fat and solvent. Then we next take this RB and we attach the condenser and heating this, then we separate organic solvent and fat. Then the PPT is removed by and after drying this PPT we wet this PPT. So we got the crude fat. So this is the analysis of fat. Next we will see the fiber. So fiber is also important in the food. So for estimation of fiber we required the reflux RB and condenser for the reflux. So for this experiment take a 2.2 to 5 gram of sample, and it is the free from dryness and free from moisture. So take this 5 gram sample in round RB flask, round bottom flask. Next to add 200 ml 1.25% H2SO4 and reflux up to 30 minutes. Then after reflux 30 minutes, filter it by using Buckner funnel, and after filtration the residues, we add residue at 200 ml NaOH, and then again boil at 20 minutes, and again we filter by vacuum. After filtration we got PPT. This PPT, we heat this PPT at 560 degrees Celsius in crucible. So after for 30 minutes we check the weight, and we got the
परसेंटेज ऑफ फाइबर. सो एट दिस लेक्चर वी विल सी द